अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम, बाज़ार से भी अच्छी, जिसे आप खाते रह जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मिल्क ले लिया है। आपको जितना बनाना हो, एक लीटर आधा लीटर, उस हिसाब से मिल्क को बॉयल कर लेंगे और इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। पहले यहाँ पे 20 से 25 मिनट लगा है, मिल्क को चला चला के बॉयल करके गाढ़ा कर लिया है, और जो साइड में मलाई निकल रहा था ऊपर, उसको इसी में ही मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा मिल्क गाढ़ा होके रेडी हो गया है। अब इसी में मैंने थोड़े से गर्म दूध में 3-4 स्ट्रैंड केसर के और बस एक ड्रॉप जो फूड कलर होता है वो मिला लिया है। तो यहाँ पे इसमें डाल दिया हमने सारा, और यहीं पे इसमें डालेंगे हम कटे हुए ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम डाल दिया है और पिस्ता डाल दिया है। तो ये आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स यहाँ डाल लें, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दूध का गाढ़ापन आप देख रहे हैं, इतना ही होना चाहिए। और इसको और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे इसमें हम डालेंगे मिश्री, बस 3 से 4 चम्मच भर के। आपको जितना मीठा खाना हो उतना डालें, और मिश्री के जगह पे आप जो गुड़ का शक्कर आता है वो भी डाल सकते हैं, या थोड़े कम क्वांटिटी में शुगर भी डाल सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जब तक मिश्री घुल नहीं जाता। यहाँ पे थोड़ा शक्कर डाल के भी बनाएंगे तो भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि मार्केट वाली आइसक्रीम में पता नहीं कितनी प्रिजर्वेटिव होती हैं, और ये टेस्ट में उसे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख लीजिए आप, इसको हमने मिक्स कर लिया यहाँ पे, और अब ये ठंडा हो गया है थोड़ा, और इसका गाढ़ापन आप देख सकते हैं। तो इतना आपको भी करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने काऊ मिल्क लिया था। आप जो टोन मिल्क होता है वो भी ले सकते हैं, फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। ठंडा होने के बाद किसी टिफ़िन में इसको या कंटेनर में डाल के और फ्रीज़र में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, कि ये थोड़ा सा जम जाए। 2 से 2.5 घंटे बाद देखिए ये हल्का बर्फ़ जैसा होने लगा है, अभी पूरी तरह नहीं जमा है। तो इसको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे, इसको और अच्छा टेक्स्चर देने के लिए, बिल्कुल मार्केट के जैसा। इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, लो मीडियम हाई कर करके रिपीट में ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर तक अच्छे से ब्लेंड करने के बाद देखिए कैसा अच्छा झाग ऊपर बन रहा है। तो अब जिसमें भी आपको इसे जमाना हो आप डाल सकते हैं। मैंने इसे एक लिड वाले बाउल में डाल दिया है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। जब मिल्क बॉयल कर रहे थे उस टाइम 1 से 2 इलायची भी मैंने पीस के इसमें डाला था, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद हो तो ज़रूर डालें। अब इसे किसी मोटे पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल हो तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, इससे जो बर्फ़ के क्रिस्टल जमते हैं वो नहीं जमेंगे। तो थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस करते हुए मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और थोड़ा सर्कल में काट लिया था इसे। तो जो दूध की पॉलीथीन आती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने वही इस्तेमाल किया है। अब इसके लिड को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसे ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं जमने के लिए। फ्रेंड्स, इसको ओवरनाइट हो गया, ये अच्छे से जम गया है, और देखिए ऊपर जैसे मार्केट में ऊपर बबल होते हैं आइसक्रीम में, तो वैसे इसमें है। तो बस मैंने इसे ज़रा सा गर्म पानी में 1 से 1.5 मिनट के लिए रखा था, और इसको अब निकाल लेते हैं। तो थोड़ी देर भी आप हल्का सा गर्म पानी में बस ऐसे इसको घुमाएंगे बाउल को, तो ये आसानी से निकल जाएगा। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट गार्निश कर दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आपने देखा ना, हमने इसमें कोई हैवी क्रीम या कोई भी कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, बस घर के टोंड मिल्क यानी गाय का दूध था उससे बना है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये हेल्दी भी है। आप थोड़ा सा शुगर भी डाल के बनाएंगे तो कोई उतनी परेशानी नहीं है। ये फिर भी बाहर के आइसक्रीम से काफ़ी हेल्दी, काफ़ी टेस्टी है, और जो मैंने कस्टर्ड की रेसिपी में आइसक्रीम के साथ शेयर किया था, बिल्कुल आप इसे बनाएं, वैसे भी खा सकते हैं अपने कस्टर्ड के साथ, जिस तरह मैंने उसमें बताया था उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ इस रेसिपी के लिए खूब सारा लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें मेरे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। बाकी रेसिपी भी मेरी ज़रूर देखें, सभी बहुत अच्छी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।